गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में एएमआई की सेक्शन ए का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर क्या 2020 समर का पेपर है। जी हाँ, आपका 2020 विंटर का पेपर नेक्स्ट मंथ में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 मटेरियल साइंस समर का पेपर है। तो इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, साथ में पेपर के साथ सिलेबस को डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम से पहले केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो सबसे पहले पेपर को कवर करते हैं। तो पेपर में ग्रुप ए में जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस मटेरियल में ये जो डिफरेंस होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में क्रिस्टल सेल डायग्राम पूछा था, क्रिस्टल सेल डायग्राम्स क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड अलॉय, मेटल एंड अलॉयज में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन आया था। और सेरेमिक और पॉलीमर के बीच में डिफरेंस बताना था। बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी था। आपको एक आपको अब पढ़ना क्या है, दो से तीन सेमेस्टर का पेपर आपको लगा लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ईजिली मटेरियल साइंस का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राइट द नेम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफेक्ट एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। तो ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज डिसलोकेशन का ये जो क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है कि ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन अबाउट एज डिसलोकेशन। डिफ्यूजन इन सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में बताना है। गिब्स फेज रूल क्या होता है। फिर नीट डायग्राम बनाना है टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेस कर्व का। विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ और क्रीप क्या होता है, ये जो क्रीप वाला क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है। साथ में आपको जो हीट ट्रीटमेंट्स हैं मेटल के, वो आने चाहिए। सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी का ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज डन, और एनलिंग नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग टेम्परिंग इसके प्रोसेस, ये अप्रॉक्सीमेटली रिपीटिंग होता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये क्वेश्चन आना ही आना है 20 मार्क्स में। तो यहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा और ये क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके बाद फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 है स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल एक्सपेंशन को आपको डिफाइन करना है। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सेरेमिक, ये सेरेमिक से क्वेश्चन बन गया और यहाँ पे रिफैक्टरीज से क्वेश्चन बन गया। तो सेरेमिक वाला पोर्शन और रिफैक्टरीज वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएंगे और डिफरेंस रॉक्स एंड बिल्डिंग स्टोन। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। और थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक और इलास्टोमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। सेक्शन सी में ये डेफिनेशन है, जहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, ग्रेन ग्रोथ, एज हार्डनिंग, क्रिटिकल कूलिंग रेट, आयरन कार्बन सिस्टम, वर्क हार्डनिंग रिकवरी, सीजन क्रैकिंग, आइल्ड स्ट्रेंथ, नैनो मटेरियल और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। देखिए अब पढ़ना क्या है, ग्रुप ए में आपको, देखिए ग्रुप ए का ये सिलेबस आप देख सकते हैं, ये ग्रुप ए का सिलेबस है, ग्रुप बी का सिलेबस है। ग्रुप बी का ये जो सिलेबस है, ग्रुप बी वाले जो सिलेबस है, ये पॉलीमराइजेशन वाला चैप्टर जो है, इसमें कंपोजिट मटेरियल क्या होता है और नैनो मटेरियल क्या होता है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होता है, इलास्टोमर क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है। और पार्टिकल रेनफोर्स और कंपोजिट रेनफोर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको टॉपिक कवर कर लेना है। यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा 20 मार्क्स कहाँ से मिलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर है इससे मिलेगा, जहाँ पे आपको मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एनर्जी, ये वाले डेफिनेशंस पढ़ लेने हैं। और जो कंडक्टर इंसुलेटर का जो डेफिनेशन होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इसको प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ से आपको तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे। ग्रुप बी में आप 40 अटेंड कर पाएंगे ईजिली यहाँ से। बाकी अगर सेक्शन ए की मैं बात करूं, तो सेक्शन ए में आपको स्टार्टिंग में ये जो डिफेक्ट सेरामिक वाला चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है। सेरामिक से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। और अगर इसमें एक इजी चैप्टर की बात करें, तो ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसी को आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो इसमें टॉपिक्स गिवन है उसी को पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको केवल जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। बाकी सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा। 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका पेपर जो है वो क्रैक हो जाएगा। बाकी फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।